उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बुरी हार को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। लगातार समीक्षा बैठकें हो रही हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेता यूपी हार की वजह तलाश रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार हुई, उसको लेकर संघ के नेताओं की तरफ से लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं, उन बयानों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी। बता दें कि पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान कि जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है, गर्व करता है, लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। उनका ये बयान बीजेपी की तरफ इशारा कर रहा था। जी हाँ, कि जिस तरह से बीजेपी में अहंकार आया, तो मोहन भागवत ने शायद बीजेपी को लेकर ही ये बात कही थी। फिर उसके बाद आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का भी बड़ा बयान सामने आया कि 2024 में रामराज्य का विधान देखिए, जिनमें राम की भक्ति थी और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उन्हें 240 सीटों पर रोक दिया। साफ साफ इशारा उनका बीजेपी की ओर था। और इंद्रेश कुमार ने सिर्फ बीजेपी पर ही नहीं बल्कि विपक्ष को लेकर भी हमला बोला। आरएसएस नेताओं के बयान से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या संघ और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? इस लोकसभा चुनाव में जिस तरह से संघ के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि संघ और बीजेपी के बीच इस वक्त कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब जिस तरह से आरएसएस नेताओं के बयान सामने आए, उसको लेकर विपक्ष भी बीजेपी पर जमकर हमलावर है। बता दें कि सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि आरएसएस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज जनता विपक्ष इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है, क्योंकि विपक्ष जनता के मुद्दों पर बात करती है। आरएसएस बीजेपी को बचाने के लिए जनता को दिखाना चाहती है कि हम आपके साथ हैं। ये सिर्फ दिखावा है। जब जनता महंगाई बेरोजगारी से जूझ रही थी, तब आरएसएस कहा थी ये सिर्फ आरएसएस का नाटक है। क्या कुछ कहा है अनुराग भदौरिया ने, आपको सुनाते हैं। कमाल है, आज आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को कह रही है कि अहंकारी हो गई है, मणिपुर की चिंता नहीं की, क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये, चूंकि आरएसएस को इस बात का एहसास हो गया है कि जनता इंडिया गठबंधन और विपक्ष के साथ खड़ी है, क्योंकि विपक्ष और इंडिया गठबंधन ही जनता के हक की बात कर रहा है, उनको न्याय दिलाने की बात कर रहा है। कभी आरएसएस ने जनता के साथ खड़ी नहीं हुई। लगातार जब ये आज आरएसएस को याद आया है कि जनता के साथ अन्याय हुआ है या ये सरकार अहंकारी थी, तब आरएसएस को नहीं याद आया। जब यहाँ पे मेहमान पहलाएं घसीटी जा रही थी, तब आरएसएस को नहीं याद आया कि किस तरह से मणिपुर जल रहा था, हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हो रहा था, बीएचयू में बेटियों के साथ अन्याय हुआ, तब तो नहीं आरएसएस को ध्यान आया। आरएसएस को तब ध्यान नहीं आया जब यहाँ किसान धरने में बैठा था, किसान आत्महत्या कर रहा था, छात्रों के पर्चे लीक हो रहे थे, युवा यहाँ पे बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा था, महंगाई बेरोजगारी बढ़ी हुई थी पूरी तरह से, तब तो आरएसएस जनता की चिंता करने नहीं आया। आज क्यों चिंता करने आया? क्योंकि जनता ने आरएसएस और बीजेपी दोनों को नकार दिया है। इसलिए आरएसएस बीजेपी को बचाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि नहीं 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 हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता की बात करेंगे, जिससे कि आप बीजेपी को बचा लो। अरे जनता सब जानती है आरएसएस और बीजेपी दोनों एक हैं। अब जनता की बात करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब जरूरत थी तब आपने जनता की चिंता नहीं की, जब जनता को जनता तकलीफ में थी, दर्द में थी, तब आरएसएस ने जनता की बात नहीं की। इसलिए आरएसएस बीजेपी को ना बचाए, जनता सब जानती है। इसलिए जनता आज इंडिया गठबंधन और विपक्ष के साथ खड़ी है, और जनता अच्छी तरह से जान गई, अब देश की जनता आरएसएस और बीजेपी दोनों एक हैं। ये सिर्फ नाटक कर रही है, इधर जनता के सैंपति लूटना चाहती है जनता की बात करके। इसलिए जनता की सैंपति अब आरएसएस को नहीं मिलने वाली, जनता अब आरएसएस को नहीं एक्सेप्ट करने वाली, वो समझ गई है ये दोनों एक हैं और नाटक कर रहे हैं जनता के साथ होने का। लेकिन जनता अब इंडिया गठबंधन विपक्ष के साथ खड़ी है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो जनता के हक को, जनता को न्याय दिलाने की बात करते हैं और लगातार 10 सालों से इस आरएसएस और बीजेपी से लड़ रहे हैं। तो सुना आपने किस तरह से अनुराग भदौरिया ने बीजेपी और आरएसएस को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया। आपको बता दें कि चुनाव नतीजों के बाद मोहन भागवत का भाषण कई मायनों में अहम है, जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। फिर इंद्रेश कुमार का बयान आना, वैसे एक सवाल तो उठता है कि जिस तरह से संघ के नेता बीजेपी को अब अहंकारी बता रहे हैं, मणिपुर की चिंता कर रहे हैं, तो ये नेता पहले कहां थे?
जब चुनाव में बीजेपी का अहंकार साफ साफ दिख रहा था। उनकी चाल से, उनके भाषणों से, उनके दावों से, उनके आत्मविश्वास से अहंकार साफ झलक रहा था। तब कहा थे ये लोग, रही बात मणिपुर की, तो मणिपुर के हालात कोई आज से नहीं खराब है। जब मणिपुर बर्बाद हो गया तब चिंता करने का क्या ही मतलब है। अगर यही चिंता पहले जताई होती, बीजेपी को हिदायत दी होती, तो शायद मणिपुर के हालात सुधर जाते हैं।